साउथ इंडियन एक्टर विजय की विवादित फिल्म मर्सल 2017 की सबसे बड़ी तमिल रिलीज मानी जा रही है। विवादों में घिरने के बाद भी ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। अपने ओपनिंग डे में ही फिल्म ने 43 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए थे। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने आधिकारिक रूप से 3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमा लिए हैं। मर्सल के साथ ही विजय की 4 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई हैं। मर्सल के अलावा विजय की थुपकी, काथी, ठहरी फिल्म के नाम शामिल हैं। विजय की ये फिल्म तमिलनाडु में सुपरस्टार रजनीकांत की कबाली और अजीत कुमार की विवेगन के रिकॉर्ड को भी पार कर चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां भी ये फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। अब तक इसका ओवरसीज कमाई 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श और रमेश बाला ने ट्वीट भी किया है। गौरतलब है कि विजय की इस फिल्म में GST और गोरखपुर ट्रेजेडी पर एक सीन है, जिसे BJP ने फिल्म से हटाने की मांग की है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।